एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मामा प्रोटीन एक्स का रिव्यू, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है एंड इसे बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पे लिखा है हेल्दी मदर हेल्दी बेबी, यानी कि मदर और बेबी दोनों के लिए ये हेल्दी होता है। ये हाई प्रोटीन डी एच एंड्रिस्ट विथ विटामिन एंड मिनरल्स, और इसमें जो ये साइन दिया गया है ये है वेजिटेरियन साइन, जो कि उनके लिए जो नॉन वेज नहीं पसंद करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली है। तो इसमें प्रोटीन में कोई नॉन वेज थिंग्स जो है यूज़ नहीं की गई है। और इसे कौन कौन ले सकते हैं, यहाँ पर लिखे स्पेशली फॉर्मुलेटेड टू मीट योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। जब बेबी को फीड करते हैं और प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने आप इसे ले सकते हैं। और ये है यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर, और इसमें वनीला फ्लेवर भी अवेलेबल है। अगर आपको चॉकलेट नहीं पसंद, लाइक मुझे नहीं पसंद है चॉकलेट फ्लेवर, तो ये एक्चुअली मम्मी ने दिया है तो फिर मैंने रख लिया, अदरवाइज़ मैं वनीला फ्लेवर ही यूज़ करती हूँ। और इसका प्राइस यहाँ पर 600 है। 400 ग्राम प्रोटीन पाउडर का प्राइस 600 रुपीज़ है। इसमें छोटा भी आता है, आप उसको ट्राई करना चाहें अगर कभी तो। तो ये जो प्रोटीन ये पाउडर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम खा नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं। तो इसमें डॉक्टर ये सजेस्ट करते थे कि आपको सारे जो भी न्यूट्रिशन नीड्स है आपकी, वो आपकी कंप्लीट हो जाए और बेबी एंड मदर दोनों हेल्दी रहें। तो यहाँ पे इसके सारे न्यूट्रिशन वैल्यू जो यहाँ पे ये लिखी हुई इंफॉर्मेशन, इसमें एनर्जी, प्रोटीन, फैट, शुगर, इसमें सब कुछ है जो एक प्रेग्नेंट लेडी को ज़रूरत होती है, प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है और एक बच्चे को ज़रूरत होती है। तो विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ आपको देखो, सारे विटामिन हैं, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसे यूज़ कीजिए और इससे बेबी हेल्थी रहेगा, आप भी हेल्थी रहेंगे। अब इसे कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको दूध गर्म कर लेना है, अच्छे से 2-3 बार बॉईल कर लेना है और फिर इसको ठंडा होने देना है। अभी मैंने बॉईल कर चुकी हूँ तो ये ठंडा होगा, फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको बनाने का सही तरीका, सबसे पहले ये इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये सिल्वर फॉइल का ये कवर होता है और इस जो ये है ढक्कन साथ में आता है। इसको हमेशा यूज़ करने के बाद अच्छे से कंटेनर को बंद कर ले, इसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, एयर टाइट ही रहना चाहिए हमेशा ये पाउडर। तो यहाँ पे ये मिल्क ल्यूक वार्म हो गया है रूम टेम्परेचर पे। अगर आप 200 ml मिल्क लेते हैं तो आप ये दो से तीन चम्मच ऐड करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 ग्राम मिल्क लिया है, तो 1.5, क्योंकि मैंने 100 ग्राम मिल्क लिया है ओनली, मैं ज़्यादा मिल्क नहीं ले पाती हूँ, तो मैंने इतना लिया है। और आप चाहे तो दिन में इसको एक बार यूज़ करें, और अगर दिन में 2 बार यूज़ करते हैं तो आप 3 स्पून के अकॉर्डिंगली इसको आप यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 25 से 30 ग्राम ही आपको ये प्रोटीन पाउडर एक दिन में लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये यहाँ पे मिक्स कर लिया, अब ये पीने के लिए तैयार है। और अगर आपको इसमें लम्स थोड़े कुछ दिखे तो आप इसको छान कर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दूसरे कप में इसको छान लें तो अच्छा लगेगा आपको टेस्ट। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई सून। एंड बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।